आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से ये जानते हैं कि वो आजकल की जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में वो क्या जानते हैं। इसी सीरीज में मैं पेश करने जा रहा हूँ एक जाने माने फोटोग्राफर के, जो फैशन फोटोग्राफर भी हैं, और उनकी क्या क्या खासियत है। दोस्तों, ये इंटरव्यू पूरा आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम देखते हैं इस इंटरव्यू को। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए दबाइए बेल आइकन। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी जानकारी वही जो है आपके लिए सही। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम समाज के जो अलग अलग प्रोफेशन में लोग काम कर रहे हैं उनसे अब जाकर पूछेंगे कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। तो इसी सीरीज में मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ इंदौर के जाने माने फैशन फोटोग्राफर से, जो कि है नीरज विश्वकर्मा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रवीण जी। तो सर, मैं आपसे ये सबसे पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछूँ, उससे पहले हमारे व्यूवर्स को आप अपने बारे में ज़रा कुछ बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज विश्वकर्मा। मैं मोस्ट प्रॉबली कमर्शियल फैशन और मॉडलिंग फोटोग्राफी पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूं, और मेरा जो मेन टास्क है वो है फोटोग्राफी ट्रेनिंग। मुझे जितना फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है उतना ही ज़्यादा मुझे सिखाना लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने देखा जो आज का युवा है वो बहुत ज़्यादा सीखने की इच्छा रखता है, पर उसके पास ऑप्शन कम होने की वजह से वो सीख नहीं पाता। तो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों को टेक्नोलॉजी से कैसे अवगत कराऊँ और आसानी से और बेहतर तरीके से। सर, मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा। सर अपने बारे में थोड़ा कम ही बता रहे हैं। सर बहुत अच्छे फोटोग्राफर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और जिसकी आप जब मिलेंगे, इनसे बात करेंगे, तो ही आपको पता चल पाएगा कि कितने अच्छे इंसान हैं। तो इनसे अगर आपको मिलना है तो इनकी आप फैशन जो फोटोग्राफी जो सिखाते हैं आप इनके स्कूल में भी आ सकते हैं। लेकिन हम शुरू करते हैं सबसे पहले सवालों का सिलसिला। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो फैशन फोटोग्राफी या फिर जो फोटोग्राफी इंडस्ट्री है, इसमें जो टेक्नोलॉजी चल रही है या फिर जो जनरली टेक्नोलॉजी चल रही है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जैसा बोल रहे थे अबाउट द टेक्नोलॉजी रियली फोटोग्राफी को एक बहुत अच्छी दिशा दी है। जैसे आज को हमें डिजिटल फोटोग्राफी जी फोटोग्राफी को इतना आसान बना दिया है कि हर व्यक्ति, वो चाहे हॉबीस्ट हो चाहे प्रोफेशनल, बहुत आसानी सीख सकता है, बहुत आसानी समझ सकता है। जी हाँ, मैंने भी ये देख रहा हूँ कि पहले टेक्नोलॉजी में जो फोटोग्राफी से रिलेटेड जो सर बता रहे हैं उसमें अगर आप देखे जाए तो एक बहुत ही रेयर केस होता था जब लोग सज धज के जाते थे फोटो खींचने, और एक ओकेजन हुआ करता था फोटो खिंचवाने का। आजकल तो सेल्फी का ज़माना है। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आजकल जो फोटोग्राफी के अलावा भी जो टेक्नोलॉजी जो आप अपने आसपास देखते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताइए। कोई शक नहीं, आज अगर मैं फोटोग्राफी इंडस्ट्री की बात करूँ तो कल की डेट में फोटोग्राफी एक सीमित दायरे पर थी, बट आज शायद हर घर पर एक फोटोग्राफर है। जी, हर व्यक्ति के पास एक कैमरा है। जी, अगर वो मोबाइल यूजर है तो डेफिनेटली उसके पास कैमरा है। बिल्कुल सही। और हर व्यक्ति एक चीज देखता है, कुछ ना कुछ हो रहा है, वो कैप्चर करना चाहता है, तो करे कैसे। इसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है कि वो आसानी से अपनी चीजों को तस्वीरों के साथ व्यक्त कर सकता है। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा यूज। हाँ सर, इसका बहुत आजकल बहुत अच्छा यूज भी हो रहा है, कई लोग मिसयूज भी करते हैं, खैर वो दूसरी बात है। जी जी, हर तकनीक के कुछ फायदे कुछ नुकसान है। बिल्कुल सर, अब वो आपके थॉट पर यूज डिपेंड करता है कि आप उसका कैसे यूज करते हैं। जी सर, तो मेरा यही आपसे कहना था कि आप जो अपने प्रोफेशन में क्या क्या ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जो आपको फायदा पहुंचाती है, या फिर आप उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस तरह के टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं आप अपने फोटोग्राफी प्रोफेशन में। जिससे मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ ओल्ड टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी। जी, कोई शक नहीं, टेक्नोलॉजी कल भी थी बट आज अपडेट हुई। जी, कल एक फिल्म कैमरे का समय था। बिल्कुल, जहाँ पर हमें एक्सपोजर, लाइटिंग, सब कुछ एक अप्रोक्सीमेट पर हम काम करते, एग्जैक्ट पे नहीं। जी ठीक है, और एग्जैक्ट होने के लिए बहुत एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत पड़ती थी, एक बहुत लंबा अनुभव। जी, लेकिन आज की डेट में हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि डिजिटल फोटोग्राफी ने हमें एक चीज़ दे दी कि हम क्लिक करने के साथ ही हम देख सकते हैं कि क्या हुआ। जी सर, वो पहले वो बल्ब शॉट होता है और जो ले लिया है वही सिर्फ हमारे पास था कि आपने अपने जो एक्सपीरियंस लिया है वही आपका है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कई बार ये आती थी कि मेरा शॉट हो सकता है किसी भी कारण से गलत हो सकता है,
तो रीशूट करना काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब जैसे आज की डेट में क्या है कि हमने क्लिक करने के बाद तुरंत आउटपुट देख सकते हैं, बिल्कुल, बट पहले क्लिक होगा, फिल्म डेवलप होगी, प्रिंट होगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि हुआ क्या। बिल्कुल, तो फोटोग्राफी इंडस्ट्री में बात करूंगा, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपडेट हुई। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट टेक्नोलॉजी का कहा जाए जुड़ा, वो रहा कि फोटो क्लिक करने के साथ ही बहुत सारी कमियों को आप पोस्ट प्रोडक्शन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके प्रोफेशन में जो टेक्नोलॉजी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप कुछ चीज़ों के नाम बता दीजिए, साथ में आप ये भी बताइए कि आप किस तरह से वो हेल्प करती है, क्या हेल्प करती भी है कि नहीं। वो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी कि हम लोग बहुत बड़े प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से कर पाते हैं। जी, जस्ट लाइक एक सिंपल से एग्जाम्पल है कि क्रोमा। जी, मुझे बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड चाहिए, ये बहुत अच्छी सी लोकेशन पर जाके शूट करना है। कई बार बजट मैटर करता है ब्रांड के लिए या कमर्शियल शूट पे, तो हमारे लिए इजी है कि हम स्टूडियो पर शूट करते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन के थ्रू उसका बैकग्राउंड चेंज करना। बिल्कुल सर। तो हाँ, जैसे अब पुराने कैमरों की बात की जाए तो आईएसओ एक ऐसा फीचर था जो कैमरे में नहीं होता था, फिल्म में होता था। जी जी, अगर मैं एक सेंसिटिविटी की फिल्म यूज़ कर रहा हूँ, 100 आईएसओ फिल्म यूज़ करो और मुझे नेक्स्ट शॉट उससे ज़्यादा आईएसओ पर चाहिए तो मुझे फिल्म चेंज करनी है। जी जी, जो प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं होता था। वो सेम लोकेशन पर सेम जगह मैं डिफरेंट आईएसओ का यूज़ नहीं कर पाता था, बट आज के डिजिटल कैमरे में कर सकता हूँ। एक और फैक्टर था वाइट बैलेंस, जैसे कलर टेम्परेचर रूम का कुछ भी है या मैं इंडोर आउटडोर शूट कर रहा हूँ, अलग अलग कलर टेम्परेचर वेरी कर रहा है। जी जी, मैं आसानी से इस पर सेट कर सकता हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और वाइट बैलेंस का एक अच्छा यूज़ ये भी कर सकता हूँ कि मैं क्रिएटिव शॉट्स पे मैं इनका बहुत आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। और एक और फीचर आप ऐड करें कि फिल्म की, पहले हमारे पास एक लिमिटेशन होती है कि मैं 36 फोटो क्लिक कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे जो है फिल्म चेंज करनी पड़ेगी, बट आज की डेट में मेरे पास मेमोरी कार्ड है और बहुत हाई स्पीड की मेमोरी कार्ड है जिसमें मैं बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता हूँ। आज के डेट में तो क्या है कि मोस्टली फोटोग्राफर एक मेमोरी कार्ड लगाता है, पूरी वेडिंग कंप्लीट कर देता है। वो मैंने देखा। और साथ में सर, मैं आपको एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहता हूँ कि ये जो कैमरे के लेंस है वो आपको यहाँ से लेके काफ़ी जो दूर तक के आपको इमेज कैप्चर करने की आपको हेल्प करते हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी तो खैर काफ़ी पहले से भी थी। जी, बट कॉस्ट इफेक्टिव कहा जाए, आज बहुत आसानी से उपलब्ध है और हर रेंज पर उपलब्ध है, बिगिनर्स के लिए भी है और एडवांस के लिए भी है। अब जैसा इक्विपमेंट चाहें, एक और अच्छी चीज़ मिल चुकी है कि अगर कोई हॉबीस्ट है या न्यू यूजर है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव या फुल फ्रेम कैमरा खरीदे, वो बेसिक कैमरे से भी काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। बिल्कुल। तो बस मैं आपसे ही जानना चाह रहा था कि भाई टेक्नोलॉजी आजकल जो फोटोग्राफी में बेसिकली किस तरह से हेल्प करती है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम उनकी बात करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ कट करते हुए सर से एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि सर, आप ओवरऑल ये जो टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करते हैं, कहीं जैसे कि बात हुई थी मिसयूज़ भी करते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप अपनी राय कुछ हमारे दर्शकों को दीजिए ताकि वो ये जान सकें कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, खासतौर से फोटोग्राफी में। बिल्कुल, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि फोटोग्राफी एक बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। जी, और समय के साथ इसमें जो टेक्निकल पार्ट जुड़े इनका अच्छे से अच्छा यूज़ कीजिए और इसको पॉजिटिव में कितना बेहतर बना सकते हैं। जस्ट लाइक आप प्रॉपर इमेज कैप्चर कीजिए, अच्छे मोमेंट्स कैप्चर कीजिए, जरूरी नहीं है कि हर इमेज शार्प हो या क्लियर हो, थोड़ी सी ब्लर चलेगी, थोड़ी सी नॉइज़ी चलेगी, बट प्रॉपर मोमेंट हो जो आपको खुशियाँ दे या लोगों को खुश करे, वो कीजिए, उन मोमेंट्स को दिखे, वो मोमेंट दिखा सकें आप जो लोगों को बाद में याद रह सके या बाद में वो पल को याद दिलाए। जैसा कि सर आपने ही कहा था कि कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है, अगर आपके ऐसी चीज़ आपके पास जो भी है, अगर आपके पास एक मोबाइल भी है, अगर उससे आप कुछ अच्छी चीज़ या अच्छे जो मूवमेंट्स अगर उसको कैप्चर कर पाते हैं तो वो कर सकते हैं। और साथ साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का हमेशा पॉजिटिव वे में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको आगे बढ़ने की और पॉजिटिव वे में जाने की आपको एक रास्ता मिलेगा। अदरवाइज़ इसके दोनों तरह से आप जैसे लोग मिसयूज़ भी करते हैं इसका, तो वो नहीं करना चाहिए। तो सर ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जी जी, स्पेशली सोशल मीडिया पर। जी, और सबसे ज़्यादा फोटो या वीडियो वायरल हो रहे हैं और उनका दुरुपयोग करने की सोच वाले लोग
तो पहले भी थे और आज भी हैं, बट उससे ज़्यादा कहीं अच्छी सोच वाले लोग हैं। ऐसे फोटो या वीडियोस को आप अवॉइड कीजिए, वायरल करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें, क्योंकि एक गलत डिसीजन शायद आपके लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए और देशों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। जी सर, जस्ट लाइक अभी देख ही रहे हैं जो माहौल चल रहा है इसमें। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात की। और दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई वीडियो आपके पास व्हाट्सएप में आता है, फेसबुक में किसी तरह से वीडियो आता है, उसको बिना सोचे समझे उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, वायरल उसको ना होने दें। हो सकता है कि वो एक बनाया हुआ जाल हो, जिस तरह से आप देख रहे हैं आजकल कई लोग इस तरह के अपने अपने वीडियोस बना के डालते हैं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं और उनका फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों, गलत लोगों का फ़ायदा कभी ना होने दें। और मैं नीरज सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने थोड़ा सा अपना बहुत कीमती समय मुझे दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सर से और भी काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिट उठाएं, क्योंकि चूंकि वो प्रोफेशन में फोटोग्राफर हैं और बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी आप सभी को जो भी आपके सवाल होंगे फोटोग्राफी से रिलेटेड, तो मैं चाहूँगा कि सर उनका जवाब दें और आप सभी लोगों को फोटोग्राफी से रिलेटेड जो भी मदद चाहिए वो हम कर सकें। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक प्रोफेशन में भी, कोई से भी प्रोफेशन हो, चाहे जैसे फोटोग्राफी का बताया, उसमें टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो यूज़ किया जाए, मिसयूज़ ना किया जाए। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए आइडिया, व्यूज़ और अपने वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ एक छोटा सा रेड बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए और साथ में एक बेल आइकन आएगी, उसे भी हिट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मेरे जो नए वीडियो बनते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ इस बेल को दबा दीजिए। तो दोस्तों, मेरे अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।